चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन काबिल दोस्त जगजीत सिंह को खोते उनके इस अकस्मात देहांत से कुछ ही दिन पहले गजल सम्राट जगजीत सिंह के साथ हमने कुछ अनमोल पल बिताए। आइए देखते हैं यह हसीन मुलाकात। जैसा कि मैं लाउड स्पीकर लेके बोल रहा हूं कि जीमा सिर्फ फिल्मी म्यूजिक को नहीं बल्कि नॉन फिल्मी म्यूजिक को भी सलाम करता है, और इंडिया में गजल नॉन फिल्मी म्यूजिक का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, जिसमें आज तक जिनका कोई हाथ नहीं पकड़ सका वो है जगजीत सिंह जी। सर वेलकम, कैसे हैं? सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है, एक तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। क्या आपको लगता है हमारी इंडस्ट्री में नॉन फिल्मी म्यूजिक जो है कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जाता है? साइडलाइन नहीं किया जाता, क्योंकि फिल्मी म्यूजिक को क्या एक ऑटोमेटिक प्रमोशन मिलती है, तो विजुअली हेल्प मिलती है फिल्म गाने को, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। नॉन फिल्म जो हम म्यूजिक करते हैं उसका एक आध वीडियो को बन गया, वो किसी चैनल दिखा दिया, नहीं तो सिर्फ ऑडियो में ही वो सुनना पड़ता है, इसलिए उसकी प्रमोशन नहीं होती। प्रमोशन नहीं होती तो बिकता नहीं है, तो इसलिए लोग सोचते हैं कि पॉपुलर नहीं है। तो अगर मीडिया हमारे गजलें जो है उनको पिक्चराइज करके दिखाना शुरू करे तो डेफिनेटली इससे फर्क पड़ेगा। जीमा में सर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व किए गए हैं, क्लासिकल से, फोक से, पॉप से, तो आपको लगता है इससे बढ़ावा मिले? इट्स ए वेरी गुड एफर्ट, और जीमा की जो कैटेगरीज हैं जो उन्होंने म्यूजिक की कैटेगरीज ली हैं नॉन फिल्म की, वो आई वेरी अप्रिशिएबल। और उसमें जो हमारे नए नए कलाकार आने वाले हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, जिनको कुछ एक्सपोजर नहीं मिला है, उनके लिए ये अवार्ड ज़्यादा फायदेमंद। तो सर दो लाइनें ज़रा, मैं आपको मेरी नई एल्बम आने वाली है उसकी एक मुखड़ा सुनाता हूँ। रोना मत, नहीं, बहुत इमोशनल है। सर आई विल होल्ड माय सेल्फ। दूरियां बढ़ती गई, चिट्ठी का रिश्ता रह गया, दूरियां बढ़ती गई, चिट्ठी का रिश्ता रह गया, सब गए परदेश, घर में बाप तन्हा रह गया, दूरियां बढ़ती गई। क्या बात है सर, सुपर। वेल इस गाने पे तो जाहिर सी बात है, जो प्रॉब्लम चल रही है जी हाँ हमारे यूथ में कि वो फौरन चले जाते हैं, माँ बाप को भूल जाते हैं, और बाद में वो माँ बाप रुलते हैं, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, तो उस सब्जेक्ट को लेके मैंने एक एल्बम बनाई है, तो अब रिलीज करेंगे। क्या बात है सर, लेकिन मैं आपको ऐसे सीरियस नोट पे यहाँ से जाने नहीं दे सकता, तो एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट, अगर सर दो लाइन आप गा दें, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। सर बचना ए हसीनो लो मैं आ गया, बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। क्या बात है, थैंक यू सो मच। बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। क्या आए हैं सर आप, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। आपके आने से चार चांद लगे, थैंक यू सो मच सर, प्लेजर। तुम चले गए